सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई में भारत के 31 नागरिक फंसे हुए हैं। ये सभी कर्नाटक के आदिवासी समुदाय से आते हैं। इन लोगों की वापसी को लेकर मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी हुई। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि सूडान में हक्की पक्की आदिवासी समुदाय के कुछ लोग पिछले कई दिनों से बिना खाना पानी के फंसे हुए हैं। सरकार ने अभी तक उन्हें वापस लाने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। सिद्धारमैया के आरोप पर जयशंकर ने तीखा पलटवार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं आपके बयान से स्तब्ध हूँ, सूडान में कई लोगों की जान खतरे में है, इस पर राजनीति ना करें। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा, सूडान में फंसे भारतीयों की स्थिति पर राजनीति करना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह के बयान देकर किसी तरह का राजनीतिक फायदा होगा। इस पर सिद्धारमैया ने कहा, आप देश के विदेश मंत्री हैं, इसलिए मैंने आपसे मदद की अपील की। अगर आप मेरे बयानों पर स्तब्ध होने में ही व्यस्त हैं तो मुझे बता दीजिए कि देश को लोगों को वापस लाने में हमारी मदद कौन कर सकता है। इसके बाद विदेश मंत्री ने कई ट्वीट के जरिए कर्नाटक के लोगों को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। विदेश मंत्री ने लिखा, सूडान में हालात बिगड़ने के बाद से ही भारतीय दूतावास वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटा है। वो भारतीय नागरिकों को लगातार संपर्क में है। हम हर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए हम नागरिकों की लोकेशन साझा नहीं कर सकते। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।